हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू सास होटल। तो गाइस, आप सभी को जैसे पता है कि ठंडी की मौसम आ चुकी है, मतलब विंटर का सीजन आ चुका है, एंड आप सभी सोचते होंगे कहीं बाहर घूमने को जाए एंड फोटो शूट करवाए, ठीक है। तो गाइस, ऐसा सभी के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता, तो लेकिन गाइस आप अपने फोटो को विंटर की तरह एडिटिंग जरूर कर सकते हो। तो गाइस, बहुत ही इजी स्टेप्स में आप विंटर की तरह अपने फोटो को एडिट कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एंड गाइस चैनल पर नो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर देना। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फोटो को लाइटरूम के अंदर इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। एंड गाइस, आपको सबसे पहले इस पेज मतलब इस प्रिजेट्स को भी डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि गाइस ये प्रिजेट्स आपका मतलब विंटर इफेक्ट लाने में आपके फोटो में हेल्प करेगा। एंड गाइस, आप अगर मैनुअल करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मतलब हार्ड लगेगा आपको। तो लेकिन गाइस, अगर आपको मैनुअल करना है तो कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट इस प्रिजेट्स को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। एंड इसको भी लाइटरूम में ऐड करके, ठीक है, लाइटरूम में ऐड करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे जाना है, एंड यहाँ पे कॉपी सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना है, एंड यहाँ से राइट करके, ठीक है, एंड बैक आना है। एंड उसके बाद आपको अपने किस जिस फोटो पे सिलेक्ट मतलब प्रोजेक्ट अप्लाई करना चाहते हो उसको यहाँ पे ओपन करना है, एंड यहाँ पे थ्री डॉट पे जाके एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो गाइस, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपको अगर यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अगर ओवर एक्सपोज वाला प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको यहाँ पे इस लाइटिंग वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। एंड यहाँ पे लाइटिंग को जो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपोजर को है ना कम कर देना है इतना, ठीक है। एंड गाइस, थोड़ा सा अगर यहाँ पे वाइट को कम कर देना है, इस तरह से ब्लैक्स को बढ़ा देना है, ठीक है गाइस। इस तरह से कर दोगे तो गाइस आपकी जो यहाँ पे प्रॉब्लम है, जो आपकी जो ओवर एक्सपोज वाली है, वो कम हो जाएगी, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आपको थोड़ी बहुत और भी यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है तो गाइस यहाँ पे इसके नीचे वाला ऑप्शन में आना, थोड़ी सी यहाँ पे जो गाइस डीएच को बढ़ा देना इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कम कर देना। एंड गाइस, हम थोड़ा सा इसकी शेडोज को जो यहाँ पे कम कर देते हैं, इतना रहने देते हैं, ठीक है। एंड गाइस, यहाँ पे इतना करने के बाद गाइस अभी जो हमारे फोटो में जो प्रोजेक्ट है परफेक्ट अप्लाई हो चुकी है, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी ओवर एक्सपोज का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे थोड़ी सी अगर आपको फेस की स्मूथनेस बढ़ानी है तो आप यहाँ पे सिलेक्टिव ऑप्शन का यूज कर सकते हो, नहीं तो गाइस आपको इस वाले ऑप्शन में जाना है, एंड यहाँ पे नॉइज रिडक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, एंड कलर नॉइज रिडक्शन को भी, ठीक है। एंड जैसे कि पूरी फोटो में हमारी स्मूथनेस आ जाएगी, एंड यहाँ पे थोड़ी शार्पनिंग को बढ़ा देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स अप्लाई हो चुके हैं, एंड कलर ग्रेडिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है, एंड बहुत इजी हमने कर लिया। एंड इसलिए गाइस आपको यहाँ पे मैनुअल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको प्रोजेक्ट्स डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना है, एंड इजीली आपको अप्लाई कर लेना है अपने फोटो पे, ठीक है। एंड यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो। एंड गाइस, उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको शेयर वाले ऑप्शन में जाना है, एंड गाइस शेयर टू पे जाके आपको अपने फोटो को पिक्सआर्ट के अंदर शेयर कर लेना है। तो गाइस, यहाँ पे पिक्सआर्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले स्नो पीएनजी को ऐड करना है, ठीक है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे ऐड फोटो पे जाऊँगा, एंड मैं अपने स्नो पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस, मैं इस पीएनजी को यहाँ पे इस तरह से कुछ रिसर्च करके ऐड कर लेता हूँ। एंड उसके बाद गाइस आपको जो है ना यहाँ पे ब्लेंड वाले ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे ब्लेंड वाले ऑप्शन में जाएंगे, एंड उसके बाद आपको स्क्रीन कर देना है, ठीक है, एंड इसको इस तरह से रख लेना है, ठीक है, एंड यहाँ पे डन कर देना है। एंड गाइस, अगर आप थोड़ी बहुत और भी पीएनजी यहाँ पे ऐड करना चाहते हो स्मोक वगैरह की तो आप कर सकते हो, लेकिन गाइस यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, जाके इसको भी स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे लगा देता हूँ कुछ। एंड जरूरत नहीं गाइस, आप लगाओ या नहीं लगाओ, ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन गाइस आपकी जो यहाँ पे फोटो जो है ना कंप्लीट एडिट हो चुकी है, एंड यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड आप देख सकते हो बिल्कुल विंटर वाली फोटो लग रही है, ठीक है। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है गाइस यहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ी हो, ऐसा लग रहा है बिल्कुल बर्फ़ वगैरह पड़ी है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस, आप बहुत ईजी तरीके से अपने फोटो को विंटर वाली एडिट कर सकते हो लाइटरूम एंड पिक्सआर्ट के हेल्प से, एंड गाइस उसके बाद इजीली यहाँ पे सेव कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस, आई होप कि ये वीडियो गाइस आपको पसंद आएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, एंड गाइस चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना। तो फिर से मिलते हैं कोई एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।